हुकूमत अब गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। ये हुकूमत अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म का नारा देकर इस मुल्क में हुकूमत में आती है, लेकिन ये दरअसल हिंदू नेशनलिज्म नहीं है बल्कि हिंदुत्व कैपिटलिज्म है। उसके बावजूद भी फिर ये लोग ये जीएसटी लाने का मतलब ये है कि भाई इंडिया के अंदर पूरा पूरों के पास से पैसा निकालना, गरीब से गरीब आदमी के पास से पैसा निकाल कर पूरे अपने घर भर लेना। और उसमें भी मार इस बात की है कि गरीब जो किराना दुकान डालकर अपने रोजगार करता है वो किराना दुकान वाले को जीएसटी देना पड़ेगा। दीन दलित बोले मारबेकंत विचार निम्बल संविधान प्रकार होबेकंत विचार मतले इल्ल। ಬರೇ ನೀವು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿ ಅವ್ರ ಜೊ ಗೌಂಡಿ ಕಾಮ ಲೇಬರ್ ಕಾಮ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೈ ವೋ ಲೋಗ್ ಜೊ ಹೈ ದಹಿ ಕಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೇಕೋ ರೋಟಿ ಔರ್ ದಹಿ ಖಾತೆ ಥೆ ತೋ ವೋ ಭಿ ಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೋ ದೇಖಾ ನಹೀ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि वो जो है नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर आवाम को जिस अंदाज से वो तकलीफ दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ आज जो है डीसी ऑफिस में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम जनता दल की तरफ से। उसका रीज़न ये है कि भाई अब डे बाई डे जो है पेट्रोल डीजल का रेट तो बढ़ रहा था, देख रहे थे। अब खाने के जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो रेगुलर डेली यूज़ के आते आते हैं, जैसे दही की पाकिट है, तेल की पाकिट है, अनाज है, तुअर की दाल है, तमाम मतलब ब्रेड जैम के ऊपर भी ये लोग आज जीएसटी लगा रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये आम आदमी के ऊपर जो नॉर्मल लोग थे, जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं और जो गौंडी काम लेबर काम करने वाले हैं, वो लोग जो है दही की पैकेट लेकर रोटी और दही खाते थे, तो वो भी ये सरकार को देखा नहीं जा रहा है। और बच्चों का जो एजुकेशन का मामला है, जहाँ पर स्टेशनरी का पूरा सामान लगता है, पेंसिल से लेकर लब्बर से लेकर हर एक उसके ऊपर भी जीएसटी लगाई, ये लोग 5% से 18% तक जीएसटी लगाए हुए हैं। अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये आदमी काम करने वाला नॉर्मल उसकी 200 रुपये पगार रहती, अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये और अगर उन्हें उसको जीएसटी को भरेंगे तो 80 रुपये में खाएगा क्या? अगर तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में नॉर्मल जो भी लोग गरीब लोग रहते हैं उनका निवाला छीनने का काम भी ये लोग करें। एक तो बाढ़ की तरफ से पानी की तरफ से पूरा स्टेट के अंदर जो है पानी की पूरी बाढ़ की तरफ फसल ख़राब हो गई, किसान परेशान है। और कोविड के अंदर एजुकेशन के बारे में पूरे लोग जो भी जितने भी काम करने वाले थे कारीगर लोग थे वो लोगों को सैलरी नहीं, एक तरह से तनख्वाह नहीं मिलने, एक तरह से वो लोग भी आज कर्जा लेके वो पुराना कर्जा 2-3 साल का जो हुआ था वही अभी तक फेंक नहीं सके, उन्होंने इंटरेस्ट भरते का काम कर रहे हैं आवाम लोग जो नॉर्मल लोग। उसके बावजूद भी फिर ये लोग ये जीएसटी लाने का मतलब ये है कि भाई इंडिया के अंदर पूरा पूरों के पास से पैसा निकालना, गरीब से गरीब आदमी के पास से पैसा निकाल कर पूरे अपने घर भर लेना, ये इनका एक एजेंडा दिख रहा है। पहले तो इनका आरएसएस का एजेंडा था कि बीजेपी का ये लोग कमरल है बल्कि पूरा पार्टी लोगों को दिखाते थे, अब ये लोग कमरलिज्म छोड़ के क्या कर रहे हैं मालूम है? ये लोग पैसा के बारे में कमरलिज्म तैयार करें, ये दिख के आ रहा है। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू अपील करना चाहता हूँ कि भाई मोदी साहब को और हमारे सीएम साहब को इमीडिएट ये जो आप ऑर्डर कर रहे हैं इमीडिएट रोको, वरना आने वाले दिनों में ये तमाम आवाम को लेकर हर स्टेट के थ्रू पूरा स्टेट भर के स्ट्राइक करना पड़ेगा, आपके बारे में पुतले जलाना पड़ेगा, रोडों पर आवाम को लेकर उतरना पड़ेगा, बल्कि आपकी मीडिया के थ्रू इस मौके पर बोलना चाहता हूँ। 2014 से पहले तमाम आवाम इस बात से परेशान थी कि पेट्रोल के और गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं। 2014 में जब बीजेपी हुकूमत आई तो नरेंद्र मोदी ये बात बोलने पे ये बात ऐलान किए कि मेरे आने की वजह से मुल्क में खुशहाली आ गई। ये खुशहाली ये अच्छे दिन वो बस एक तकरीर तक ही महदूद रह गए। उसके बाद मुसलसल जिस अंदाज़ में ये हुकूमत काम कर रही है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन का काम किए जिसकी वजह से आवाम को अपने पैसों से महरूम होना पड़ा, फिर उसके बाद में जीएसटी को लागू किया गया 2018 से पहले, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ों के ऊपर जीएसटी लागू करना शुरू कर दिया। जिस पर जीएसटी लागू करना चाहिए उस पर लागू नहीं किया गया, और वो क्या चीज़ है? वो है पेट्रोल और डीजल। जीएसटी दरअसल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर हिस्सेदार होते हैं जीएसटी के अंदर। अगर दोनों मिलकर
पेट्रोल और डीजल के दामों को तय करना शुरू कर दें तो अलग अलग वैट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रियासतों में आप लोगों को, आम आवाम को अलग अलग रेट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही रेट मिलेगा, एक ही टैक्स लगेगा। 18% भी अगर GST लगता है तो जो पेट्रोल और डीजल की वजह से आम आवाम को दुश्वारी हो रही है, मिसाल के तौर पर तमाम तर जो चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज से लेकर तमाम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसी से, वो पेट्रोल और डीजल की बुनियाद पर ही होता है, तो वो अगर कम हो जाता तो ये तमाम तर चीज़ें भी सस्ती हो जाती। अब वो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन जो आम रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर GST लागू करवा दिया गया है। इसकी वजह से आपको अनाज के ऊपर 5% GST देना पड़ रहा है जो एडेड रहेगा, और उसमें भी मार इस बात की है कि गरीब जो किराना दुकान डालकर अपने रोज़गार करता है, वो किराना दुकान वाले को GST देना पड़ेगा। यानी कि वो GST, उसको अपना एक GST सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, GST के अंदर उसको शामिल होना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो GST लगाना पड़ेगा। जो इस मामले में आते नहीं थे, GST के दायरे में नहीं आते थे, अब वो लोगों को भी GST के दायरे में लाया गया है। इसीलिए स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे कारोबारी तमाम पूरे मुल्क में एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत अब गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। ये हुकूमत अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म का नारा देकर इस मुल्क में हुकूमत में आती है, लेकिन ये दरअसल हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, बल्कि हिंदुत्व कैपिटलिज्म है। इनका मकसद अडानी अंबानी जैसे बड़े कारोबारियों को ये तमाम सहूलतें फराहम करके, फैसिलिटीज़ फराहम करके, बड़े बड़े मॉल्स लगवाने की सहूलतें फराहम करके वहाँ से तिजारत को आम करना है। छोटे कारोबारी या किसान को उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं है ये हुकूमत की। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि वो जो है नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर आवाम को जिस अंदाज से वो तकलीफ दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये हुकूमत नहीं चल सकती है इस तरीके से। ये लोग कर्जे में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स होता है वो ख़त्म होने की कगार पर आना शुरू हो जाएगा अगर इसी तरीके से आम आवाम को, मजलूम आवाम को परेशान करते रहेंगे। हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये अपील है कि फौरी तौर पर जो अनाज के ऊपर, जो पनीर के ऊपर, दही के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें फिर एक बार टैक्स फ्री कर दिया जाए। इवत ना जिला जातातीत जनता दल वत होराट हमको कारण इवत देश BJP सरकार बड़ो ब्यान मैं बरी इलिकते याकंद्रे प्रति धान्य मेले इवत GST ऐर मोसरु हाल मज्जी लस्सी नहीं प्रति तोरी इवत BJP सरकार दुडाड़ नर्सी जन नम्बर तौंद को अदान खंडी इवत ना होराट हमकी निम्ब सरकार नडसल बर्ती नडसरी इला बिट मन हो रही याकंद्रे इवत देशदा नावेलू वेकतीवत निम्ब देश निम्ब पक्षदे सुब्रमण्यम स्वामी निम्हे उगलेना अमित शाह मर नरेंद्र मोदी बसवराज बोम्मई राज्य मुख्यमंत्री आगे नहीं कलस अंत गवत मल बंद बड़े परहार को मन बुद्ध संवाद कंपनसेशन को मुंबरता दिन प्रतिवंदेलू कूड़ा नहीं देश द्वेषदी द्वेष नोड़कती रही याकंद्रे द्वेष राजकारण राष्ट्र वाले ना जन बड़े दीन दलित वेदंत विचार निम्बल संविधान प्रकार होता विचार मतलब इला बर नहीं RSS नीतिया पालसता RSS नीति अनुसार सरकार नडसलती देशदात इवत RSS ऐन अजेंडा RSS अजेंडा मेल नरेंद्र मोदी अमित शाह प्रतिपत्ति इ राज्य मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई नड़ीता दयमा बड़ को बेड़ी जनर को बेड़ी इवत नहीं GST ऐसी प्रति मैगल प्रति दिन ऊटमक वस्तु मेले ऐनपंद्रे GST ऐरी अंदर निम्ब देश नडसल देश नडस दुड बे दुड हाँ इवत बूट पालिस कूड़ा नम्बर GST कूल मत बंदी आका दुड बे निम्ह दुड को साकु नम्बर
ಇವತ್ತು ನಾ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಸತ್ಯನಾಶ ಹೋಗ್ತಾ ದೇಶ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆದಂಗೆ ಆತಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಖಚಿತ. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮರಾಜ ಸುಂದರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾದಳ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ.